तो साथियों अब चलते हैं अगले पायदान पर, गन्ना पादप स्वास्थ्य क्लिनिक के अगले पायदान पर, जिसपे हमने किसानों के लिए बनाया है लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप का मतलब है कि हमें अपने खेतों में मॉनिटरिंग कैसे करनी है। एक ऐसा यंत्र हम लगा दें कि जो किसान भाइयों के लिए मॉनिटरिंग का काम करे, ऑब्जर्वेशन का काम करे, जो उसको सूचना देने का काम करे कि किस प्रकार हम अपने खेतों की मॉनिटरिंग करते रहें, और उसका हम तभी हम किसी भी प्रकार का, उसमें चाहे बायोपेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, उसका हम इस्तेमाल करें। लाइट ट्रैप एक ऐसा ही मॉनिटरिंग का कार्य करता है जो आपके खेतों में जब भी कीट का प्रकोप होना है तब उसके जो एडल्ट होंगे वो हमेशा लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यदि हम अपने खेतों में लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि अब हमारे खेत में किस प्रकार के कीट का प्रकोप होने वाला है। क्योंकि किसान भाइयों, ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया है ये होममेड लाइट ट्रैप है। आप अपने घर पे ही एक प्लास्टिक की बाल्टी ले सकते हैं, उसमें आपको बल्ब लगा सकते हैं। इसकी कंप्लीट वीडियो आप मेरे लिंक में जाकर देखेंगे। लाइट ट्रैप बनाने का तरीका मैंने वहां पर बताया है, खेत में उसका उपयोग करने का तरीका भी वहां पर बताया है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर इसका उद्देश्य यही है कि हम कीड़ों को बायोलॉजिकली, हम उस कीड़े को केमिकल के द्वारा, बायोपेस्टिसाइड के द्वारा न करके हम केवल हम लाइट ट्रैप के द्वारा उनकी पॉपुलेशन को कैसे कम कर सकते हैं, ये उसका कारगर सिद्ध होता है। तो आते हैं अगले पायदान पे, जो हम कीट को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार किसान भाइयों को जागरूक करते हैं, या उनको किस प्रकार हम बता सकते हैं कि आप अगले उनको किस प्रकार बगैर किसी केमिकल का इस्तेमाल करें ही आप जैविक तरीके से या प्राकृतिक तरीके से हम कैसे नियंत्रित करें। हम बात करते हैं अगले एक ऐसे तरीके की जिसमें बगैर केमिकल का इस्तेमाल किए ही किसान भाई अपने यहाँ पर कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। ये हमारे पास कैच है दो, एक येलो कलर का कैच है और एक ब्लू कलर से कैच है। इन कैच का जो प्रयोग किया जाता है वो जो हमारे कीट होते हैं उनकी नेचर होती है कलर के प्रति अट्रैक्ट होने की। लाइट के प्रति भी अट्रैक्ट होते हैं, प्रकाश के प्रति भी उनका आकर्षण होता है, और कलर के प्रति भी, रंग के प्रति भी उनका आकर्षण होता है। तो जो पीला, ब्राइट पीला कलर होता है, इसके प्रति कीट में अट्रैक्शन होता है। उसका एक जितने भी हमारे जैसे थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, ऐसे कीट है जो उड़ सकते हैं, तो वे कलर की तरफ होता है। कैच कैसे उसमें काम करते हैं, आपके पास ये कैच है, आपके पास एक प्लेन येलो कलर की या ब्लू कलर की एक दीवार है, उस पर आप वहां पर गम या ग्रीस लगाकर भी अपना कैच तैयार कर सकते हैं। आपको मार्केट से भी लेके आप कैच इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास कोई भी प्लेन दीवार है या कोई भी प्लेन येलो कलर की प्लास्टिक है, कोई भी आपका फर्टिलाइजर का बैग है जो येलो कलर का हो, ब्राइट येलो कलर का, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप अपने खेतों पर लगाएं और वहीं पर ही आप उस पर ग्रीस या गोंद उसके ऊपर लगा सकते हैं, ताकि जब भी कीट उस कलर की तरफ अट्रैक्ट होकर वहां पर आएगा तो आने के बाद वहां पर उस ग्रीस के कारण और उस गोंद के कारण, उस गम के कारण वहां पर चिपक जाएगा और आपका खेत उससे सुरक्षित हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा तरीका है यदि हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं कीट नियंत्रित करने का। अब अगले पायदान की तरफ चलते हैं, जो हम यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये हमारा ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप, जो फनल ट्रैप है, जिसमें एक पॉलिथीन शीट यहाँ पर लगी होती है जिसके अंदर हमारा यहाँ पर इंसेक्ट का कलेक्शन यहाँ पर होता रहता है। और ये इंसेक्ट कलेक्शन, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो, कीट इसके प्रति अट्रैक्ट होकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इसमें अंदर यहाँ पर हम इसका ल्योर लगाते हैं, ल्योर के कारण यहाँ पर, ल्योर में क्या होता है, मादा की स्मेल होती है, जिस कारण से नर कीट वहां पर आकर्षित होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मादा वहां पर उनको नहीं मिलती, केवल वो ल्योर लगा होता है, वो स्मेल होती है, जिस कारण से वो नीचे फनल के माध्यम से इस पॉलिथीन के अंदर गिर जाते हैं और यहाँ पर आपका कलेक्शन होता रहता है। 15 से 20 दिन के बाद हो सकता है आपके खेत में जितने कीट हो ये आपकी पॉलिथीन वहां पर कवर हो जाए और आपके फनल में वे सारे कीट वहां पर एकत्रित हो जाए। तो इसमें हम अलग अलग प्रकार के ल्यूर इस्तेमाल करते हैं, वे हर एक ल्यूर अलग अलग कीट के लिए अलग अलग मादा की स्मेल होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार का आपका ल्यूर, एक ही प्रकार की स्मेल जो फेरोमोन है वो सभी प्रकार के कीटों को आकर्षित करेगी, वो पर्टिकुलर कीट को ही आकर्षित करेगी। इसलिए जब भी आपके खेतों में किसी पर्टिकुलर कीट का प्रकोप ज्यादा हो तो आप उसमें उसी पर्टिकुलर कीट के लिए ल्योर का, उसी के ल्योर का इस्तेमाल करें, उसी की मादा के स्मेल का इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों अब बढ़ते हैं अगले पायदान की तरफ।